Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Chori ve loot ke vahanon ke slaughter house ke roop mein kukhyat Meerut ke Soti Ganj par police prashasan ne ab tak ka sabse bada taala latka diya hai. SSP Prabhakar Chaudhary ke aadesh ke baad आज सुबह से ही सोतीगंज की करीब 350 दुकानों के शटर नहीं खुले। व्यापक पुलिस फोर्स वहां तैनात की गई है। पुलिस प्रशासन ने यह कदम दर्ज मुकदमों की विवेचना प्रभावित होने के बाद उठाया है। सोतीगंज की ये दुकानें अब सत्यापन व अगले आदेश के बाद ही खुलेंगी। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। SSP के आदेश के बाद सोतीगंज व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व व्यापारियों को शनिवार सदर थाने बुलाकर इसकी जानकारी दे दी गई। बता दिया गया कि अगले आदेश तक ये दुकानें बंद रहेंगी। आज सुबह भारी पुलिस बल तैनात होने के बाद व्यापारी सोतीगंज पहुंचे तो लेकिन शटर नहीं खोल पाए। कई लोगों ने अपने रोजगार का वास्ता भी दिया लेकिन बात नहीं बनी। यह रहा आज सोतीगंज का माहौल। इस बारे में एक स्थानीय व्यापारी ने यह जानकारी दी। मोहम्मद ताहिर अध्यक्ष सोतीगंज व्यापार संघ। एक आदेश करा है प्रशासन ने कि मार्केट बंद रहेगी, क्या कारण है उसका? उसका कारण है भी हमने अधिकारियों ने कुछ भी नहीं बताया। कोई प्रशासन आपके पास आया, पुलिस वगैरह कोई आए हैं पे कुछ बंद कराने के लिए? कुछ नहीं, हाँ पुलिस प्रशासन आया दुकान बंद कराने के लिए। दरोगा जी थे, SSI साहब थे, उन्होंने के आदेश ये है आपकी कोई दुकान मार्केट पूरी बंद रहेगी। कब तक के लिए बंद रहेगी कुछ बोला नहीं? ये नहीं बताया, जब तक नहीं अगले आदेश तक। तो आप लोग क्या करेंगे? हम तो ये करेंगे, अब DM साहब के पास, SSP साहब के पास इनसे बातचीत करेंगे, जो हमारा जो सही मसला है उसे निपटाया जाए। लगभग कितनी दुकानें हैं सोतीगंज? इसमें कम से कम 300-400 दुकानें हैं। तो 300-400 दुकानें बंद रहेंगी? पूरी दुकानें 300-400 बंद है। तो अभी कुछ आदेश नहीं है हमारा? अभी कोई आदेश नहीं है। पहले GST मांगी थी हमने, GST सब लोगों ने ले ली, कुछ लोग रह गए GST लेने रहने में, और बाकी ने सब ने GST ले ली। हमारी दुकानों की चेकिंग भी पहले हुई, सूरज राय साहब ने करी, बड़ी अच्छी करी, हमें कोई परेशानी नहीं आई। चेकिंग दोबारा भी हुई है आज? नहीं, अभी कोई चेकिंग नहीं हुई। वहीं SP सिटी विनीत भटनागर ने फर्स्ट बाइट को यह जानकारी दी। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, असल में मीडिया के कुछ सेक्शंस में इस प्रकार की खबर चल रही है जो कि मैं बताऊँ पूरी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है कि पूरे मार्केट को पुलिस ने बंद कराया। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं, इसकी बैकग्राउंड आप समझ लें, ये बहुत आवश्यक है। आपको मालूम होगा सोतीगंज एक कुख्यात मार्केट है जहाँ पे अवैध वाहन, चोरी के वाहन, उनका कटान करके बहुत बड़े पैमाने पर उनके स्पेयर पार्ट्स बेचे जाते थे, वाहन बेचे जाते थे और चोरी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस पर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर शिकंजा कसा है और इसमें तमाम अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसकी विवेचना के दौरान ये जानकारी में आया है कि बहुत से ज़ाहिरा तौर पर लीगल दिखने वाले बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करने वाले लोगों के माध्यम से ये चोरी करने वाले लोग या अवैध कटान से जुड़े हुए लोग स्पेयर पार्ट्स को उनके माध्यम से बेच करके और अपने सामान को चैनलाइज करते हैं, उसको रीरूट कर देते हैं ताकि वो देखने में एक नंबर एक का और अच्छा सही काम लगे। विवेचना में जब ये सारे तथ्य आए तो ऐसे जो स्पेयर पार्ट्स के डीलर हैं उनको भी नोटिस दिया गया, 91 का नोटिस CRPC के अंतर्गत उनको दिया गया और बताया गया कि वो अपने सोर्सेस और अपने डेस्टिनेशन अपने माल का, यानी जो अपने बिल वगैरह वाउचर वो सब हमको उसकी डिटेल्स उपलब्ध कराएं ताकि इसको आपको एसरटेन किया जा सके कि जो तथ्य आ रहे हैं वो कहाँ तक सही है, उनकी पुष्टि या पुष्टि जो भी हो वो साक्ष्य के आधार पर की जा सके। इसको कुछ इस प्रकार से मिस इंटरप्रेट कर दिया गया और कहा गया कि पूरा मार्केट बंद किया जा रहा है। मैं दोबारा आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये विवेचना के क्रम में ये कार्रवाई की गई है, ये विवेचना का एक अंग है। 91 का जो नोटिस दिया गया था उसके जवाब का हमें इंतजार है। जो भी इस प्रकार के व्यवसायी तुरंत उसका जवाब दे देते हैं और वो संतोषजनक होता है, उनको किसी प्रकार से ना परेशान होने की ना डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं, अपना बिजनेस रेगुलर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ब्लैंकेट क्लोजर आदेश जारी नहीं किया गया। मैं दोबारा से स्पष्ट करना चाहूँगा। ऐसे कितनी नोटिस दिए गए हैं, किन किन लोगों को? देखिए अभी तक 100 व्यवसायियों को इस प्रकार के नोटिस दिए गए हैं। लगभग 180 व्यवसायी ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनको GST के माध्यम से हम लोगों ने सूचित करवाया था और GST को बताया था कि वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सारे मिल करके इनका बल्क, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी भारी मात्रा में दुकानें बंद कराई गई। जितनी जल्दी हमको नोटिस का जवाब दे देंगे
अपने सोर्सेज, अपने वेयर अबाउट्स अपने बता देंगे, सामान के कहाँ से प्राप्त किया, किन को बेचा, तो उतनी जल्दी जो है ये नॉर्मल रूप से सब चीज़ें जो है रिस्टोर हो सकती है। सोतीगंज के बाजार पर या वहाँ के अवैध कटान के बाजार पर सील लगने से अपराध जो हो रहे थे उन पर कुछ नियंत्रण आएगा। वाहनों की चोरी होती थी, 5-6 प्रदेशों के अंदर कहीं पर भी वाहन चोरी हो जाती थी, अने इतना भी होता था कि डिमांड ऑन डिमांड भी वाहन चोरी किए जाते थे। परंतु केवल ये समस्या वाहन चोरी की नहीं थी, वाहन चोरी और के कटान की समस्या नहीं थी, ये समस्या जैसा मुझे आशंका थी, जिसको मैंने बार बार पार्लियामेंट में कहा कि ये समस्या केवल वाहन की चोरी की नहीं है, इसके साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय ग्रोह हो सकते हैं और उसके अंदर आतंकवाद को प्रश्रय देने वाले हो सकते हैं, ड्रग का जो ट्रैफिकिंग होता है उसके को प्रश्रय देने वाले हो सकते हैं, या अन्य भी जो आपराधिक गतिविधियां हैं उसमें ये लोग संलग्न हो सकते हैं। और इसलिए मैंने इस बात के लिए भी कहा था कि शायद ये केवल एक प्रदेश का विषय नहीं है, इसके लिए कोई एक सक्षम कोई टीम बनाई जाए ताकि अन्य जिलों के अंदर भी, अन्य प्रदेशों के अंदर भी उस पर नियंत्रण किया जा सके। लेकिन मुझे बड़ा इस बात का समाधान है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया, अपने अधिकारियों को निर्देश दिए और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने, SSP महोदय ने, उनकी टीम ने इस काम को किया। देखिए विषय तो मैंने 3 बार ये उठाया था और उन दोनों अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार का स्वाभाविक गठबंधन अपराधियों के साथ है और थोड़ा बहुत अल्पसंख्यकवाद का जो उनकी नीति रहती है, आज अखिलेश जी क्या करें सभी ध्यान में आ जाएगा कि 4.5 साल पहले प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो वास्तव में कमेले पर जो वाहन का जो कमेला के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इसके ऊपर कार्रवाई तो तभी होनी चाहिए थी, अखिलेश जी ने नहीं की, माननीय योगी जी प्रधान जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद से इस ओर कदम उठाए गए। और जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, मुझे इस बात का समाधान है कि इस पर नियंत्रण हुआ है, उसको बंद किया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी वाहन की चोरी घटेगी, अपराध पर नियंत्रण आएगा और कुल मिलाकर के जो वाहन चोरों ने इकट्ठा कर लिया था सारा यहाँ तामझाम, वो तंत्र टूटेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।